साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल सिवाच में। और आज भाइयों मैं पहुंचा हूं मोदीपुरम में, हमारे यहां पे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी में कृषि मेला लग रहा है विशाल, वहां पे मैं आया हूं। और भाइयों सामने देख रहे हैं आप लोहान एग्री इम्प्लीमेंट्स वालों का है और यहाँ पर जो है पावर वीडर है इनके डीजल वाले। तो अपने गन्ना किसानों के लिए सादी बुआई कर रहे या ट्रेंसा कर रहे उनके लिए वीडियो बहुत ही काम की होने वाली। तो भाइयों सबसे पहले जो यहाँ के ओनर है जो ये कंपनी चला रहे हैं, पहले तो मैं आपको आज उनसे मिलवाऊंगा और इनके बारे में पूरी समझ मतलब जानकारी और चला के डेमो सब कुछ दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले मैं मिलवा दूँ एक बार आपको। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। थोड़ा सा तो आप पहले किसान भाइयों के परिचय करा दो। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। जी जी। हमारी फर्म है। अच्छा अच्छा। हम इसके ओनर हैं। जी जी। और बेसिकली पावर वीडर हम बनाते हैं, क्या पावर वीडर मशीन वगैरह। अच्छा अच्छा। पावर वीडर हमारा खुद का अपना मैन्युफैक्चरिंग है जी। काफ़ी मेहनत के बाद 4-5 साल लगातार हमने इसको डेवलप करने के लिए लगाए जी। उसके बाद पिछले 5-6 साल से हम इसको चला रहे हैं कंटिन्यूस जी जी। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किसानों के द्वारा भी जो फीडबैक मिलती है वो भी है जी जी। जितने भी सुधार इसमें हो सकते थे वो रेगुलर हमने इसमें करें जी जी। और अब ये बहुत बढ़िया अपने परफॉर्मेंस पे है। अच्छा। चल रहा है जी जी। तो सबसे पहले जी आप ये बताओ जी, आपका जो पावर वीडर है कितने HP में है जी? पावर वीडर हमारा 8 HP से शुरुआत है। ये 8 HP का हो गया जी? 8 HP डीजल में जी? डीजल में। अच्छा अच्छा। इसमें तीनों आइटम आपको मिलेंगे, रोटावेटर। हाँ जी। दूसरा कल्टीवेटर, तीसरा हल। अच्छा अच्छा। तो जी ये डीजल में है आपका है ना जी? 8 HP। अच्छा अच्छा। तो इसकी तेल की जो खपत है वो बहुत ही कम है। कंपनी 800 ml प्रति घंटा का खपत देती है, लेकिन 600 ml से किसानों का कोई ज्यादा है नहीं अभी तक। अच्छा, रिपोर्ट अच्छा। नहीं है जी जी। तो एक चीज बताओ जी, ये कितनी चौड़ाई तक आपका काम कर सके? ये कम से कम 26 इंच पर बोए गन्ने में बहुत आराम से चलता है। अच्छा 26 इंच सादी बोई में। अच्छा, अच्छा अगर कोई किसान ट्रेंच में चलाना चाहे जी? ट्रेंच में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक बार निकालो दो बार निकालो। अच्छा, इसकी रोटावेटर जो है चौड़ाई इसकी बढ़ाई जा सकती है। अच्छा बढ़ाई जा सकती है। कल्टीवेटर भी नेड़ा चौड़ा करने वाला है, आप जो बैलों के पीछे लगाते थे वही कल्टीवेटर है जी जी। और हल भी है, देख भी सकते हैं हल। अच्छा, इसके साथ में 3 अटैचमेंट है जी? इसके साथ में 3 अटैचमेंट है जी जी। एक तो ये रोटावेटर हो गया जी। रोटावेटर हो गया ठीक है जी। और कल्टीवेटर हो गया 5 फाड़ी का ठीक है जी। और तीसरा ये हल हो गया। हल हो गया, इससे गहरी जुताई भी कर सकते हैं, गन्ने की बुआई भी कर सकते हैं, मिट्टी में चढ़ाने का काम कर सकते हैं जी जी। ये 3 आइटम इसके साथ में हम देंगे। अच्छा अच्छा। तो ये तो 8 HP वाला हो गया जी आपका। और ये हमने इसी साल लॉन्च किया है, ये पहला पीस है जी जी। ये 10 HP में है। अच्छा, ये 10 HP में जी। अच्छा अच्छा। ये भी डीजल में जी? ये भी डीजल में ठीक है जी। इसकी मतलब ये कितनी चौड़ाई तक? ये इसका जो बाहर से बाहर चौड़ाई है वो 21 इंच है। अच्छा 21 इंच पे है। ये 28 इंच में चल जाएगा। अच्छा 28 पे। अगर इसमें भी मतलब रोटावेटर इसका बड़ा कर सकते हैं हो जाएगा ठीक है जी। तो जो आपका 8 HP वाला, पहले तो उसके साथ में बता दो जी, तीनों अटैचमेंट है जी? हाँ तीनों अटैचमेंट तीनों सबके साथ मिलेंगे। अच्छा अच्छा। तो उसकी क्या प्राइस है? मतलब उसका प्राइस है जी 1,65,000 रुपये। 1,65,000 रुपये जी ठीक है जी। कुछ छूट वगैरह किसानों के? 1,65,000 रुपये में GST इंक्लूडिंग है। अच्छा अच्छा ठीक है जी। अगर कोई बिल लेगा उसके साथ में तो उसको बिल मिलेगा 1,65,000 रुपये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और भाइयों ये हो गया इनका 10 HP वाला। ये 10 HP का है जी जी। ये 1,85,000 रुपये का है। अच्छा अच्छा। ये विदाउट सेल्फ है, अगर कोई सेल्फ में लेगा जी तो वो 1,95,000 रुपये का पड़ेगा। अच्छा अच्छा। तो इसकी डीजल खपत क्या है जी? इसकी डीजल खपत है जी 1 लीटर प्रति घंटा। अच्छा अच्छा। कितना निकाल देगा एक घंटे में? कोई घंटे में निकालने की बात करें, जैसा 28 इंच का गन्ना बुआई है तो लगभग रोटावेटर पे 2.5 से 3 बीघे तक निकाल लेगा ठीक है जी। कल्टीवेटर पे 4-5 बीघे तक निकाल देगा ठीक है जी। और ट्रेंच वाला है तो उसको और ज्यादा निकाल लेगा, क्योंकि रोटावेटर की चौड़ाई बढ़ जाएगी। हाँ जी हाँ जी। और ये आ गया जी तीसरा वाला इनका, ये वही है? ये 8 HP में ही है। अच्छा 8 HP में सेम। अच्छा, जो आपने इसके पीछे अटैचमेंट बढ़ाई खेत में ले जाने के लिए, मतलब किसान भाइयों को दिक्कत हो है ना जी? जी, जो वो ट्रोली बनाई जी ये, वो अलग से लेनी पड़ेगी? ये ट्रोली अलग से लेनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा। तो भाइयों अभी तो ट्रोली भी चलवा के दिखाऊंगे और रोटरी पे भी और हल में भी और कल्टीवेटर पे परफॉर्मेंस दिखाई जाएगी ठीक है जी। तो भाइयों पहले 10 HP वाले को चलवा के देख रहे ठीक है जी। रोटावेटर पे चले गए, ये देखो सेल्फ स्टार्ट नहीं है वैसे ही रस्सी से। देखो भाई डीजल इंजन के साथ में पीछे ले चलो
बैक एयर में लग गया। भाइयों देख लो, जमीन भी काफी हार्ड है, अपर पड़ा लगाओ, ऐसे चलाओ ना। पीटीओ गेट लगेगा, ये बिल्कुल तप्पड़ जमीन में है। बिल्कुल भाइयों, बिल्कुल तप्पड़ जमीन में है, देख लो आप। कोई लोड नहीं किसी भी तरीके का, कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। जी जी। अच्छा वो दे रखा कि डिफेंसर इसमें है क्या? डिफेंसर है। वो मोड़ने में दिक्कत आने साइड को भागेगा तो वो है ना लोग। हाँ ये डिफेंसर सही थे। अच्छा देख लो भाइयों, काफी अच्छा काम कर रहा है। और देखो चलाने में भी बहुत आसानी है भाइयों। देखो यहाँ को जो है जुताई में देखो कितना बारीक बांध कर दिया, ठीक है जी। ये देख लो भाई, गजब। भाइयों अभी जो है परफॉर्मेंस दिखाई जाएगी कल्टीवेटर पर, ठीक है जी। हाँ जी भाइयों, ये 8 HP वाला पावर वीडर मंगवाया गया है, इसका हल चलावा के दिखाया जाएगा, ठीक है जी। ये देखो यहाँ से एडजस्ट करने का है इसमें हल, ये देख लो आप, लागू सेवा करने के लिए बिल्कुल ट्रैक्टर की तरह टॉप नहीं। अच्छा यहाँ से एडजस्ट कर जाएगा जी, सारा एडजस्टमेंट है इसका, ठीक है जी। आगे हाइड्रोलिक सिस्टम दिया है, मैग्नम पीछे और टॉपलिंग सिस्टम दे दिया। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया भाइयों, अभी कल्टीवेटर ये हर दोनों चीज चलावा के चला चला पीछे के ऊपर चला, बस चलो पूरा ले उसमें कितने का मिले कंप्यूटर पूरा बना देंगे। हाँ रेस दे लो थोड़ी सी, जो पहिया हट रहा भैया। भाइयों हाल पर देखे हुए परफॉर्मेंस, ठीक है। ये साथी जो बुआई होती है अपने गन्ने के साथ मिट्टी चढ़ाने के लिए, ठीक है। भाइयों पट जमीन है बिल्कुल, देख लो आप। काफी किसान भाई भी यहाँ आए हुए हैं, ठीक है जी। एक सेकंड भाइयों, अभी जो है इसमें कल्टीवेटर लगवाते हैं 5 फाड़ का, ठीक है जी। एक परफॉर्मेंस दिखाई जाएगी, ये देखो अटैचमेंट हटानी भी बिल्कुल आसान है। ये पिन है इसमें, ये पिन निकल जाएगी यहाँ से और दूसरी अटैचमेंट यहाँ पे जुड़ जाएगी, ठीक है जी। बहुत आसान है ये भी, ये देखो ज़्यादा देर नहीं लगने किसान को। ये देखो पूरा वीडियो में इसलिए दिखा रहा, अटैचमेंट लगाने में देखो ज़्यादा समय नहीं लगा है ना, ये देख लो। भाई देख लो अटैचमेंट दूसरी बदलने में बहुत कम समय लगा और आसानी से बदल के एडजस्ट कर रहे हैं कल्टीवेटर को भी, केवल लागू अपने हिसाब से कर लिया जाए। तो इसकी सर्विस वगैरह जी आपके यहीं हो रही, सब कुछ सब कुछ सब कुछ स्पेयर पार्ट किसान हुआ, क्या गारंटी वगैरह क्या दे रही थी? 1 साल की वारंटी। 1 साल की फुल गारंटी है? वारंटी 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 है जी। अच्छा अच्छा, जैसा आप इतने मतलब काफ़ी समय से बना रहे जी, कोई समस्या इनमें? इसमें कोई समस्या नहीं अभी तक किसी तरह की, केवल क्लच। अच्छा अच्छा, कई बार हाफ क्लच का लोग बाग चला देते हैं तो क्लच नहीं आता। अच्छा क्लच प्लेट की दिक्कत आ रहा है, ठीक है जी। हाँ जी, तो भाइयों यहाँ पे जो है देखो कल्टीवेटर का दिखवा दें एक बार आपको परफॉर्मेंस,
ये देखो भाई कल्टीवेटर का परफॉर्मेंस देखो, ठीक है जी। तो एक चीज और जी, आप एक तो अपना मोबाइल नंबर बता दो अपने किसान भाइयों के लिए, ठीक है जी। हमारा मोबाइल नंबर है जी 9760032514। एक नंबर दूसरा और नोट कर लो 9897172888। अच्छा अच्छा, तो किसान भाई अपना फ़ोन नंबर दे दिए मैंने, इनसे संपर्क कर लियो, और जिस भी किसान भाई को ज़रूरत हो फ़ोन पर बात करके इनसे मिल सकते हैं। तो आप अपनी वहाँ का पता और बता दो थोड़ा। मुजफ्फरनगर में हरिद्वार बाईपास पे है जी, महलना चौक से जो बाईपास हरिद्वार के लिए निकला है उससे ठीक 2 किलोमीटर आगे जानसठ वाला जो बाईपास पड़ेगा, मतलब ओवरब्रिज पड़ेगा, उससे पहले ही है जी। जी आमने सामने पेट्रोल पंप है, सीएनजी पंप पेट्रोल पंप है जी, उसकी बराबर में अपनी वर्कशॉप है, सामने बीबीपुर पुलिस चौकी है। ठीक है जी, ठीक। तो भाइयों जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी, कमेंट करके बताना। नमस्कार।